एलोवेरा, इसको ढेकवार भी बोलते हैं। आजकल सभी अपने घर में एलोवेरा लगाए रखते हैं, क्योंकि एलोवेरा बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए और ये ठंडक प्रदान करता है। इसमें विटामिन ई मौजूद रहता है और बहुत सारे विटामिन इसमें होते हैं। और गर्मी के दिन में जब 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो घमौरिया परेशान करने लगता है। घमौरियों के जलन को ठंडा करने के लिए और घमौरियों को दूर भगाने के लिए ये जो ये एलोवेरा है बहुत ही काम आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा काटा टाइप का वाला निकाल दिए हैं। अब देखिए इसमें कितना जेली बना हुआ है। इसमें अभी इसी जेली है, मैंने हाथ से इसको ऐसे कर दिया है क्योंकि इसमें गुदा भरा रहता है तो हम आसानी से निकल सकते हैं। चाकू से इसका जो काटा वाला पार्ट है इसको मैंने काट दिया ताकि गड़ेगा नहीं। अब इसको मैंने ऐसे छील दिया परत को, देखिए कितना जेली है। बस इसको क्या करना है, स्किन पे लगा देना है। लगा के आधा घंटा तक छोड़ दीजिए, चाहे रहने दीजिए लगा हुआ है ना। सुबह सुबह ना मतलब रात में लगा लीजिए और सुबह अपना हाथ धो लीजिए तो खूब फायदा करता है, स्किन को ठंडक प्रदान करता है। अब देखिए जहाँ पे है मैं इसको यहाँ पे रगड़ दीजिए। देखिए इसको इस तरह से रगड़ना है और इसको अच्छी तरह अच्छा से रगड़ लीजिए और रात में रगड़ लीजिए, ज़्यादा फायदा करेगा। और सुबह अपना धो लीजिए और ये इसमें सारे बहुत सारे विटामिन होते हैं। ये एलोवेरा इसको घृत कुमारी भी बोलते हैं, ढेकुआर भी बोलते हैं और आजकल सबके किचन गार्डन में रहता है, चाहे घर में लगा लीजिए मना बहुत अच्छा। जितना है इसमें से ऐसे ऐसे निकालते जाइए तो और होते जाएगा और इस सारा घमौरी का जो है ठीक हो जाएगा, ठंडक प्रदान करता है, बहुत ही अच्छा है। स्किन पे लगाइए, ऐसे भी लगाइए तो भी ठंडक प्रदान करता है, स्किन अच्छा कर देता है।